आज हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड और लीड्स यूनाइटेड के बीच में होने वाले मैच के ड्रीम इलेवन टीम पिक्स के बारे में। देखिए, पहले तो ड्रीम इलेवन, अगर आप इससे बहुत ज़्यादा यूज्ड टू नहीं है तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो दो दो प्लेयर दो टीम्स के बीच में जो स्कोरिंग होती है वो फैंटेसी प्रीमियर लीग से एकदम विपरीत होती है। फैंटेसी प्रीमियर लीग में आपके असिस्ट, गोल, क्लीन शीट्स पर फोकस होता है, लेकिन यहाँ पर जो फोकस है वो आपके इंटरसेप्शंस, आपके पासेस कंप्लीटेड, आपके ब्लॉक्स, आपके चांस क्रिएटेड और क्लियरेंसेस एज अ डिफेंडर, कितने आपने शॉट्स ऑन टारगेट लिए, इन सारे पैरामीटर्स पे भी बेस्ड होता है। देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ड्रीम इलेवन में वो ये आती है कि बजट कंस्ट्रेंट्स कई प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि ये प्लेयर मेरी टीम में होना चाहिए, लेकिन बजट का एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। जैसे कल मैनचेस्टर सिटी का जो मैच था, जो हम लोगों ने कवर किया था, बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था कि रहीम स्टर्लिंग को रखें ना रखें, किस प्लेयर को रखें, बिकॉज सारे 10 या 10+5.5 वाले प्लेयर सारे स्टार्ट कर रहे थे। तो एक ये डिफरेंस एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो आपको समझना पड़ता है। और आई मीन इट इज़ नॉट ईजी फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स जस्ट दैट वी ऑल टेक सम चांसेस, लेकिन देर इज़ अ मेथड टू वट एवर वी आर ऑल्सो डूइंग। तो हम लोग क्या करते हैं कि हर हफ्ते जैसे ही डेटा आता है उसको एनालाइज करते हैं, अपडेट करते हैं और फिर टीम रिकमेंडेशन देते हैं। तभी वी आर वेरी लक्की इनफ दैट 70 to 75% मैचेस, वट एवर वी प्रेडिक्ट एज अ ड्रीम इलेवन टीम, वी मेक एक्चुअली अ वेरी गुड मैच आउट ऑफ इट। तो वो हमारे जीतने की प्रॉबिलिटी अच्छी रहती है, लेकिन नोबडी कैन गारंटी दैट जो टीम आप पिक कर रहे हैं, जो टीम हम सजेस्ट कर रहे हैं, वो एकदम सही होगी। तो जहाँ बात करता हूँ मैं लीड्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच, देखिए पहली बात है कि यूनाइटेड लास्ट के 6 गेम्स में अनबीटन है, 5 जीता 1 ड्रॉ की है। वहीं पर लीड्स जो है वो, अगर आप उनके गेम की बात करें तो एक्सपेंसिव फुटबॉल खेलता है, काफ़ी ज़्यादा खुलकर खेलता है, शॉट गोल करता भी है, गोल खाता भी है, और लास्ट गेम में भी जो उनका डिस्प्ले था वो बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत ओपन गेम था जिसमें वो 5-2 न्यूकासल से जीते थे। तो इस गेम में सबसे बड़ी बात यह है कि लीड्स अभी ट्राई कर रहे हैं कि वो बॉटम बॉटम हाफ से टॉप हाफ में है, और यूनाइटेड, कई लोग तो उनको डेफिनेटली टाइटल कंटेंडर भी कह रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात अब चैंपियंस लीग से वो हट चुके हैं, तो चैंपियंस लीग में कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं, और सारा जो उनका फोकस रहेगा वो प्रीमियर लीग पर रहेगा। साथ ही में बहुत अच्छी चीज़ यूनाइटेड के लिए ये भी हो रही है कि जो उनके बेस्ट प्लेयर्स हैं, जैसे पॉगबा हो गया, मार्शियल हो गया, उनके डिस्प्ले काफ़ी अच्छे होने लग गए हैं। तो यूनाइटेड के लिए कई सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ड्रीम इलेवन में आपको किन किन प्लेयर्स को लेना चाहिए बेस्ड ऑन द डेटा विच वी हैव डन, लेकिन इसमें जो कंस्ट्रेंट एक बजट का रहेगा वो आपको भी मैं डेफिनेटली इसमें शो करूंगा। तो चलिए देखते हैं ड्रीम इलेवन टीम जो हम लोगों ने इस मैच के लिए बनाई है अभी तक। चलिए हम लोग बात करते हैं गोलकीपर्स की। अब देखिए, गोलकीपर्स के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक आपके पास मेस्लियर है जो लीड्स के हैं और डेविड डेहिया है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के हैं। अगर आप इनके स्टैट्स के बारे में बात करिए तो देखिए, माइसलर ने 13 गेम्स स्टार्ट किए हैं, 4 क्लीन शीट्स हैं, 44 उन्होंने सेव्स किए हैं और 64 उन्होंने शॉट्स फेस किए हैं। तो 64 फेस करने में उन्होंने 44 सेव किए हैं। इनका प्राइस 8.5 है। और वहीं पर अगर आप बात करें डेविड डेहिया की, तो उन्होंने 10 गेम्स खेले हैं जिसमें से 3 क्लीन शीट्स किए हैं, 28 शॉट्स उन्होंने फेस किए हैं और सेव्स उन्होंने 17 किए हैं। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि दोनों की वैल्यू 8.5 है, तो यूनाइटेड के जो फ्रंट थ्री हैं, चाहे वो मार्शियल है, रैशवुड है, ग्रीनवुड है, पीछे ब्रूनो फर्नांडिस हैं, और जिस टाइप से लीड्स खेलते हैं, क्योंकि लीड्स ने इस प्रीमियर लीग में सेकेंड हाईएस्ट अभी तक गोल कंसीड किए हैं जो है 24। तो लीड्स का जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट 2 गोल प्रति गेम वो कंसीड करते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि इसमें क्लीन शीट्स के पॉइंट्स इतने नहीं हैं, बाकी चीज़ों के भी हैं, और मुझे नहीं लगता कि क्लीन शीट से ये इस गेम में कोई इतना फ़र्क पड़ने वाला है, तो मैं इन दोनों में से मेस्लियर को लूँगा, बिकॉज जो वो सेव्स करेंगे, जो वो शॉट्स जितने फेस करेंगे, उनकी वैल्यू इट शुड बी मोर देन वॉट डिहेया वुड बी एबल टू गेट। तो मैं यहाँ पर मेस्लियर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं बात करता हूँ डिफेंडर्स की। देखिए, डिफेंडर्स में प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी डिफेंडर जो अच्छा है वो सारे 8.5 पे वैल्यूड है। तो आपको इसमें सिलेक्ट करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बाकी जो प्लेयर्स हैं वो सिलेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ फॉरवर्ड्स के लिए, ताकि उसके बाद मैं बैक वापस आके मिडफील्ड और डिफेंडर्स पर आपको सजेशन दूंगा। अगर मैं बात करता हूँ आपके फॉरवर्ड्स की, देखिए रैशफोर्ड आपको लेना ही पड़ेगा, बिकॉज रैशफोर्ड
11 गेम उन्होंने स्टार्ट किए हैं, 5 गोल किए हैं, 4 असिस्ट किए हैं, 14 शॉट्स ऑन टारगेट लिए हैं, शॉट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी 31 है, टैकल्स भी उन्होंने 3 किए, इंटरसेप्शंस भी किए, क्लियरेंसेस भी किए हैं, तो हमारे जो स्कोर के जो स्पोर्ट्स मार्बल के एवरेज है उसमें ये काफ़ी हाई है, तो ही हैज़ टू बी इन योर टीम। अगर आप उसके बाद बात करो बैमफोर्ड की, बैमफोर्ड इज़ अ गो टू मैन फॉर लीड्स, और जितने भी गेम्स बनती हैं वो बैमफोर्ड की वजह से बनती हैं। तो बैमफोर्ड ने 9 गोल्स और 1 असिस्ट किया है, शॉट्स ऑन टारगेट 23 है, शॉट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी 17 है, 8 टैकल्स उन्होंने जीते हैं, वो एक बहुत बड़ा नंबर है फॉरवर्ड के लिए, 3 इंटरसेप्शन है, 14 क्लियरेंसेज हैं और साथ में 3 ब्लॉक्स भी हैं। सो बैमफोर्ड इज़ अ मस्ट फॉर योर टीम एज वेल। थर्ड, इफ़ यू गो बाय द फॉर्म, इवन दो द प्लेयर इज लिटिल डाउन, वो है एंथनी मार्शियल। मार्शियल ने पिछले गेम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन मैं अगेन बार बार बोलूँगा बिकॉज वॉट ब्रूनो फर्नांडिस इज डूइंग नाउ, और वो और साथ में आपके पॉगबा भी क्या कर रहे हैं, तो इस वजह से मार्शियल के पास अपॉर्चुनिटी स्कोरिंग की काफ़ी ज़्यादा आएंगी। सो बिटवीन मार्शियल एंड ग्रीनवुड आई वुड बी सिलेक्टिंग मार्शियल। अगर अब मैं बात करूँ मिडफील्डर्स की, तो जिन प्लेयर्स को मैं बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकता, पहला नाम है वो है ब्रूनो फर्नांडिस। 7 गोल 4 असिस्ट, 11 स्टार्ट्स में से 12 शॉट्स ऑन टारगेट, 55 क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, 18 टैकल्स, 4 इंटरसेप्शन, 8 क्लियरेंस। इवन दो उनके लास्ट के दोनों गेम्स में वो कुछ गोल या असिस्ट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वो ड्रीम 11 की जो स्कोरिंग है उसके लिए एक बहुत बड़े प्लेयर है, तो मैं इनको भी सिलेक्ट करूँगा। फिर मैं बात करूँगा क्लिच की। देखिए, क्लिच एक ऐसे प्लेयर हैं जो लीड्स के लिए, अगर आप इनकी एवरेज बात करें तो वो नंबर 1 है, इनफैक्ट ही इज़ अबव बैमफोर्ड इवन। वो क्यों है? 3 गोल्स हैं, 4 असिस्ट हैं, 5 शॉट्स ऑन टारगेट है, 61 शॉट स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज है, दिस इज हाईएस्ट अमंग बोथ द टीम्स। 25 टैकल उन्होंने जीते हैं, वो भी हाईएस्ट हैं अमंग बोथ द टीम्स। 11 इंटरसेप्शन, 10 क्लियरेंसेज और 4 ब्लॉक्स। तो जो क्लिच हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं एंड आई वुड डेफिनेटली सिलेक्टेड। उसके बाद बात आती है डैलस की और पॉगबा की। डेलिस भी काफ़ी, अगर आप इनके स्टैट्स देखो तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, और काफ़ी अगर आप उनके भी गेम देखो तो शॉट्स ऑन टारगेट उन्होंने 7 किए हैं, 18 शॉट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज, 25 टैकल, 16 इंटरसेप्शन, 16 क्लियरेंसेज, ये बहुत हाई नंबर है ड्रीम 11 स्कोरिंग के लिए, तो मैं डेलिस को भी डेफिनेटली सिलेक्ट करूंगा। मैं पॉगबा पे, एक पॉगबा है जो अगर आपने 2 गेम्स देखे तो पॉगबा भी बहुत अच्छी फॉर्म में अब हमें दिखने लग गए हैं, जिसमें इन्होंने 1 गोल भी किया है, 15 शॉट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 10 उन्होंने टैकल्स ऑन किए हैं, 4 इंटरसेप्शन और 11 क्लियरेंसेज। लेकिन पॉगबा को सिलेक्ट करने की प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसके बाद अगर मैं डिफेंडर्स के पास जाऊँगा तो मेरे पास क्रेडिट में आप अगर ऊपर देखेंगे तो 25 पाउंड्स रह गए हैं। अब 25 पाउंड्स में मैं 3 डिफेंडर सिलेक्ट करना ट्रिकी है, बिकॉज 8.5 के सारे डिफेंडर्स हैं जो स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपके जब अनाउंस होता है, अगर आपके लॉरेंटे अगर ये स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप इनकी इन्फॉर्मेशन देखें तो इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है मोस्टली गेम्स, इन्होंने 1 गेम स्टार्ट किया है, तो शुरुआत में जो टॉप डिफेंडर्स है जैसे कि हैरी मैगवायर है, अब हैरी मैगवायर एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है बिकॉज उन्होंने भी 3 शॉट्स ऑन टारगेट किए, 11 शॉट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, 9 टैकल्स, बट फॉर डिफेंडर्स के जो उनके मेजर पॉइंट्स हैं वो 21 इंटरसेप्शन एंड 48 क्लियरेंसेज अलॉन्ग विथ 6 ब्लॉक्स हैं, तो मैगवायर तो मस्ट है आपकी टीम में। मैगवायर के साथ साथ अगर आप बात करें एलिंग की, एलिंग की बात करें तो लास्ट गेम में इन्होंने एक गोल भी स्कोर किया था, ये फॉर्म में भी हैं, और एलिंग के साथ एक चीज़ अगेन, अगर मैं इनके डेटा की बात करूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है ये, और जिसमें ये 22 शॉट्स क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, 23 टैकल्स वन, 13 इंटरसेप्शन, 23 क्लियरेंसेज, और इनके ब्लॉक सबसे ज़्यादा हाई हैं दोनों टीम्स के मिला के, वो हैं 13, तो ये भी पॉइंट्स काफ़ी आपको स्ट्रॉन्गली देंगे। अब बात आती है, अगर देखिए अब सिर्फ रह गए आपके 8 क्रेडिट्स, और 8 क्रेडिट्स में आपको और कोई प्लेयर आ नहीं सकता अपार्ट फ्रॉम लॉरेंटे और बायल बाय, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये लोग स्टार्ट नहीं करते हैं तो आपको पॉगबा की जगह यू हैव टू फाइंड अनदर ऑल्टरनेटिव प्लेयर जो इनसे कम वैल्यू पे हो और वो अच्छी अच्छे भी प्लेयर हों। तो जैसे अगर मैं आपको अगेन यू हैव टू, इफ़ यू हैव टू टेक अ चांस ऑन एनी ऑफ द प्लेयर, यू हैव टू थिंक कि मैंने एक वैन विशाखा ले लिया और मैंने पॉगबा की जगह पे एक और डिफेंडर करूँगा, वो लिंडलॉफ है, क्योंकि लिंडलॉफ भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। अगर आप इनकी भी फॉर्म भी देखें और इनके गेम्स भी देखें तो ये लास्ट के 4 में से 3 बार ये ड्रीम टीम के प्लेयर रह चुके हैं, और लिंडलॉफ ने भी बहुत ही बेहतरीन 44 क्लियरेंसेज,
सात इन्होंने ब्लॉक्स किए हैं, इन्होंने 9 इंटरसेप्शंस किए हैं, तो मतलब ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर फॉर यू टू कंसिडर। तो अभी के लिए जो मेरी टीम रहेगी वो ये टीम रहेगी जो आपके अभी सामने है, और मैं जो कैप्टन रखूँगा, मैं अभी कैप्टन ब्रूनो फर्नांडिस को ही रखना चाहूँगा, बिकॉज जो अपॉर्चुनिटीज़ ये बनाते हैं, अब आप अगर इनके देखिए, ये हर मैच के ऑलमोस्ट ड्रीम टीम में एक के अलावा, लास्ट मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था कि गोल स्कोरिंग नहीं की थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रीम इलेवन में और भी बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, तो उनको ये सारे पॉइंट्स की हेल्प मिलेगी, तो मैंने इनको बनाया। और वाइस कैप्टन इधर आई कैन कीप रैशफोर्ड एंड बैमफोर्ड, क्योंकि ये दोनों शॉट्स बनाएंगे, तो मैं अभी रैशफोर्ड को रखना चाहूँगा। तो ये हमारी टीम है, स्पोर्ट्स मार्वल की टीम आपके सामने है। इस टीम में अगेन, अगर यहाँ पर डिफेंडर्स में एलिंग की जगह, अगर जो 8.0 का कोई भी डिफेंडर अगर स्टार्ट करता है, तो मैं वो डिफेंडर की जगह यहाँ पर पॉल पॉगबा को लेकर आऊँगा, क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट ना होता तो पॉगबा डेफिनेटली मेरी टीम में होता। तो ये है हमारी टीम जो आज ये मैच होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड और लीड्स के बीच में। ये टीम हम लोगों ने बनाई है आज के गेम के लिए, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद अगर इसमें कुछ प्लेयर्स में चेंजेस हो या फॉर्मेशन चेंजेस हो, तो वो डेफिनेटली आप ज़रूर विजिट करिएगा कि हम लोग एक बार दोबारा टीम वो डालेंगे एज सून एज द लाइनअप्स आर अनाउंस। सो 45 मिनट्स बिफोर द किक ऑफ आपको अपडेटेड जो हमारी टीम है वो इस लीग के लिए, हर एक लीग के लिए जो हम लोग बनाते हैं, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल और ट्विटर पेज पर मिल जाएगी। तो ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर पे हमें फॉलो करें, और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आप अगर हम लोगों को थोड़े से एडवाइजेस दें, आपको क्या लगता है कि हम लोग इसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं, तो वो हम डेफिनेटली उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर चैनल, और हम लोग इस हफ्ते भी और इस बार भी सारे मैचेस जितने भी हैं प्रीमियर लीग के हैं, चाहे चैम्पियंस लीग तो अभी नहीं है, खैर आईएसएल हो गया, बुंडस लीगा हो गया, ला लीगा हो गया, सीरिया हो गया, सबको हम लोग कवर कर रहे हैं, और आप हमारे चैनल को विजिट करके वो सारी टीम्स के मैचेस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम इलेवन टीम, एंड आई होप दैट यू डू रियली वेल इन द लीग्स विच यू प्ले। थैंक यू।